वेलकम डियर फ्रेंड्स, अब है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसको किस में अरेंज करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मींस क्या होता है, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, मतलब जो छोटे नंबर होगा उसको सबसे पहले देखेंगे, फिर छोटे से किसकी तरफ जाएंगे, बड़े नंबर की तरफ। तो इसमें सबसे पहले वही नंबर काउंट करना है, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, और इसमें भी 1 2 3 4 5, सब में 5 डिजिट्स है। आगे कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। इधर कितना लिखा हुआ है, 2 1 1 और 2, ओके। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, 2 या 1, तो 1 होता है। 1 कितने कितने वन डिजिट्स, कौन कौन से नंबर आ रही है इसमें और इसमें, दोनों में आ रही है, फर्स्ट नंबर दोनों सेम है। अगला देखते हैं इधर 8 और इधर 6, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 6, तो आ जाएगा 16,364। इसके जस्ट बाद में कौन सा आ जाएगा, 18,631, ओके। आगे दोनों हो गए कंप्लीट। अगला देखते हैं इसमें कितना है, 2 और 2, दोनों बराबर के हैं, ये दोनों डिजिट इक्वल है। इधर कितना है, 6, और इधर भी 6, ये भी इक्वल है। इधर कितना है, 1, और इधर कितना है, ये भी इक्वल है। नेक्स्ट है इधर 1 और इधर 3, तो छोटा कौन सा होता है, ये 1 छोटा होता है, 3 छोटा होता है, 1 छोटा होता है। कौन सा वाला नंबर आएगा, ये वाला 26,111। और लास्ट में जो नंबर बचा वो नोट कर लेंगे, ओके। अभी हमारा मुख्य नंबर 3 क्वेश्चन बी है हमारा, 82,410। फिर है हमारा 78,659,211,098, ओके। इसको आप एक बार करके देखें, फर्स्ट नंबर फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, और इसमें 4 है, तो 5 5 आते हैं, तो बड़े हुए। सबसे छोटा कौन सा आएगा, 4 4 वाले, ये भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो सबसे पहले डिजिट इधर 7 और इधर 1, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 1098, मतलब कि 1098। नेक्स्ट 7,850। फिर उसके बाद में ये वाली और ये वाली बची, इधर कितना है, 8, और इधर कितना है, 6, तो कौन सा छोटा है, 6 वाला, क्या जाएगा, 65,921, और उसके बाद में 82,410, ओके। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर सी, 16,111। इसको देख लेते हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, ओके, 5 5 डिजिट्स हैं हमें। इधर चेक करते हैं, इधर 1, इधर 1, इधर 2, इधर 1, सबसे छोटा कौन सा है, 1 वाला, ये 2 वाला सबसे बड़ा हो गया, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब 1 तीनों में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, तो इधर 6, इधर 1। अब सेकंड डिजिट देखते हैं, इधर कितना है, 6, इधर कितना है, 1, और इधर कितना है, 8, सबसे छोटा हो गया हमारा 1, तो ये वाला नंबर फर्स्ट में आ जाएगा, ये वाला नंबर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा होता है, फिर ये वाला नंबर किसमें आ जाएगा, थर्ड में, और लास्ट जो बचा वो किसमें आ जाएगा, फोर्थ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में देखना है फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट में डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, और इसमें भी 1 2 3 4 5, सब में डिजिट सेम है,
आगे देखते इधर टू, इधर नाइन, इधर सिक्स और इधर टू। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? टू वाला। नाइन और सिक्स बाद में चले जाएंगे। फिर टू के जस्ट बाद में इधर वन और इधर सिक्स। तो छोटा सबसे छोटा कौन सा होता है? वन। तो कौन सा नंबर जाएगा? 21,847। उसके बाद में 26,463। उसके बाद में इधर नाइन है और इधर सिक्स है, तो सिक्स वाला से बड़ा होगा और लास्ट में क्या जाएगा? नाइन।